हरे कृष्ण, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और किसके घर में बजेगी आज, किसके घर में बजेगी शहनाई, किसके घर में गूंजेगी किलकारी, ये सब भी बताएंगे। और आप नौकरी किस फील्ड में करेंगे भी बताएंगे। और आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करने हैं, और आज आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। और आपको सरकार से लाभ मिलेगा या सरकारी उच्च पद पर जाएंगे या पदोन्नत होगा या आपका स्थानांतरण होगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है या कोई चीज जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाएं और वहां अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, खास तौर से ये लोग बड़े ही संवेदनशील होते हैं, किसी भी बिंदु पर माइक्रो लेवल पर सोचते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो गए तो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं और अपने प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही ठीक उसके विपरीत, यदि आप नेगेटिव चैनलाइज होते हैं तो आपका नेगेटिव ऊर्जा लगता है और आप परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेशन होता है, एग्रेशन होता है। तो एक ही थॉट प्रोसेस है तो उसको बदलने की जरूरत है। तो जरूरत है सकारात्मक विचारधारा की, सकारात्मक सोच की और सकारात्मक दिशा में कार्य करने की और अपनी सोच बदलने की। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सोच से ही व्यक्ति जीतता है, सोच से ही व्यक्ति हारता है। तो सोच बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। तो अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक लाभ आज आपको मिलेगा, नौकरी मिलते हुए दिख रही है, शेयर से आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। मेडिकल के फील्ड में अगर आप सर्जिकल कोई कार्य करते हैं तो आज उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान की बात माने, माता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में खुशी रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, रुका हुआ धन मिलेगा। यदि कोई आपका बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित धन फंसा हुआ है जिसके आपको अपेक्षा करने को मिलने वाला है तो वो धन आपको आज मिलेगा दोपहर के बाद। तो उससे आज आपकी माली हालत अच्छी होगी और कोई भी घर में अगर बुजुर्ग व्यक्ति होगा तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई लेन देन न करें, नहीं तो आज आपके पैसे डूब सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी कि अनजान व्यक्ति से कोई भी लेन देन न करें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलाना है और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और पंचमेवा का खीर बनावे और भगवान गणेश जी को अर्पित करें और पंचमेवा के खीर से हवन करें और मंत्र पढ़ें, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का जप करने से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग है 3। हरे कृष्ण।